भारतीय कप्तान विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में उप कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में रोहित के 2562 रन रहे हैं, जबकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1900 रन बनाते ही कोहली ने एक रन से बढ़त दर्ज कर ली और इंटरनेशनल T20 मैचों में कोहली के अब 2563 रन हो गए हैं। कोहली के ये रन मात्र 69 इनिंग्स में हैं, जबकि रोहित ने ये स्कोर 95 इनिंग्स में दर्ज किया था। रविवार को ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में कोहली चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। उन्होंने 17 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेली। कोहली आमतौर पर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन ओपनर केएल राहुल के आउट होने के बाद ऑलराउंडर शिवम दुबे तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। दुबे ने 27 गेंदों में अपना पहला अर्धशतक जमाया। दुबे ने कायरन पोलार्ड के ओवर में लगातार 3 छक्के जड़ते हुए 26 रन दिए। अपनी पारी में उन्होंने 4 छक्के और 3 चौके लगाए। 11वें ओवर में दुबे स्पिनर हेडन वॉल्श की बॉल पर शिमरॉन हेटमेयर के हाथों कैच आउट हो गए, जिससे भारत 97.23 पर आ गया। इससे पहले मैच में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। हैदराबाद में पहला T20 भारत ने जीता था, उसके बाद दूसरा T20 मैच विंडीज ने 8 विकेट से जीत लिया और अब दोनों टीम का स्कोर बराबरी पर है।